गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 19 अप्रैल 2022। तो करते स्टार्ट। विश्व धरोहर दिवस 2022 कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। क्या थीम है इसकी? धरोहर और जलवायु। सेकंड, डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता है ये? सज्जन प्रकाश ने। किसमें? 200 मीटर की बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। थर्ड, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। फोर्थ, दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। फिफ्थ, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में 12.3% की गिरावट आई। हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मणिपुर में फहराया गया। सेवंथ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला का रखी है गुजरात में। इंडोनेशिया ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है। हाल ही में नीति आयोग राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। हाल ही में चीन ने जोजिंग 6D उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हाल ही में IPL में 150 विकेट लेने वाला पहला भारतीय बना है भुवनेश्वर कुमार। अगर आपको हमारे करंट अफेयर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।